जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस वाले, मुहाफिज, डॉल्फिन और आर्मी पुलिस, जो सब मुल्क के लिए, हम सबकी हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला उन्हें कुछ भी ना करे, अल्लाह ताला किसी को भी ना कुछ भी ना करे किसी को भी। सब जो डॉक्टर्स हैं, सब इंसानों का इलाज कर रहे हैं, सबको ज़िंदगियाँ दे रहे हैं। जो लोग दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, अल्लाह ताला हम सब पे अपना खासुल खास रहम करे और ये इस अजाब से, इस बीमारी से महफूज कर दे। और मुझे फ़ख्र है अपने पंजाब पुलिस पे, आर्मी ऑफिसर्स पे, आर्मी पुलिस पे और डॉक्टर्स पे। मेरी दुआएं, ढेर सारा प्यार आप सबके साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपकी अपनी मुस्कान खान और मैं आप सबसे उसी टॉपिक पे बात करूँगी जो कि हमारा अब हसबे ममूल हो चुका है रोज़मर्रा का। और अल्लाह पाक बहुत जल्द अपने हबीब के सदके इन सब चीज़ों को, इन सब मुसीबतों को हमारे पाकिस्तान से, क्या पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ भी ये तकलीफ़ है, सब ठीक हो जाएगा। और हम सब की दुआएं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह पाक नहीं सुने, अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदों की सुनता है। और आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो एहतियात सबको बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर तवज्जो करें और कोशिश करें कि बाहर मत निकलें जैसा हुकूमत ने बोला है, क्योंकि ये जो मुश्किल का टाइम है, ये घर में बैठ के तोबा करने का टाइम है और दुआ का टाइम है कि कुल कायनात के लिए हम दुआ करें और कोशिश करें कि कम से कम सब गैदरिंग में बैठें, अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली में बैठें और सबके लिए दुआ करें। और जो एहतियात उन्होंने बताई है गवर्नमेंट ने, उस पर पूरा जो है वो हम अमल करें। थैंक यू वेरी मच। जान है तो जहान है, अगर हम ठीक रहेंगे तो सबसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह।